ईशा, तुम शराब पीकर आई हो? मैंने तुमसे सवाल किया ईशा, तो चुप क्यों हो? जवाब दो! ईशा तुम्हारी चुप्पी मुझे और गुस्सा दिला रही है, जवाब दो! मिस्टर महाजन, पार्डन मी, आर यू ओके? गाइस, मिस्टर महाजन, आपकी फ्रस्ट्रेशन समझ रही हूँ, बट यू नो, जितना मैं जानती हूँ, आई मीन एज पर द स्टडीज, वर्ल्ड ओवर ऐसी सिचुएशंस में यूथ ड्रग्स एंड अल्कोहल का रास्ता तब चुनते हैं जब या तो उन्हें फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलता या फिर कोई अनरिजॉल्व दुख दर्द किसी ग्रीफ से वो डील कर रहे होते हैं। इनफैक्ट यू नो वॉट, 3/4 यूथ को तो ये पता भी नहीं होता कि वो डिप्रेशन से लड़ रहे हैं, और क्योंकि उन्हें कोई बताने वाला नहीं होता है कि इन चैलेंजेस से कैसे डील करना है, सो यू नो नेचुरली वो लोग इस एडिक्शन की तरफ चले जाते हैं। I'm just saying. Excuse me, Miss Yukti. हम भी यूथ से गुजरे हैं, हमने भी लाइफ में बहुत चैलेंजेस देखे हैं। That doesn't mean कि हम एक एडिक्ट बन जाएं, right? खुद की भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि नहीं? This is the sheer negligence of one's responsibility. Actually, ईशा को दोष देने का क्या मतलब है? देखिए ना, इसकी बेचारी मॉम जो अपना ख्याल ही नहीं रख सकती तो बच्चों का क्या ख्याल रखेगी, और फिर इसका भाई, गुड फॉर नथिंग। मिसेज महाजन, जिम्मेदारी का एहसास। गुस्ताखी माफ मिस मुल्तानी, मैं आपकी बात काट रहा हूं। मुझे बाहर वालों के सामने ईशा से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। ऐसे सार्वजनिक अवसर पर सबके समक्ष घर के निजी मामलों को नहीं उठाना चाहिए था। आप हमारी मेहमान हैं और मेहमानों के समक्ष घर परिवार की बातें नहीं की जाती। ये मेरी गलती है, मेरी भूल है, इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। प्लीज प्लीज मिस्टर महाजन, आपको मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। आई एम रियली सॉरी टू इंटरप्ट, बट यू नो, कई बार एक बाहर वाला ऐसे मैटर्स में एक बेटर पर्सपेक्टिव ऑफर कर सकता है। इनफैक्ट अगर घर के रिश्ते भी बाहर वालों की नजर से देखे जाए तो बेहतर समझ में आते हैं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि इस सिचुएशन में मुझे लगता है कि हमें ईशा को समझने की जरूरत है और ना ही ईशा को सजा देने की। जब तक हम ईशा की प्रॉब्लम को ईशा को समझेंगे नहीं, तब तक उस प्रॉब्लम को एड्रेस कैसे करेंगे? मिस मुल्तानी, मैं आपके सुझाव और आपकी समझ की कद्र करता हूं, लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं, मैं अपने परिवार के विषय में बाहर वालों की दखलंदाजी बिल्कुल पसंद नहीं करता। हम अपने परिवार की चिंता और उसकी देखभाल करने के लिए सक्षम हैं। आप हमारी बिजनेस पार्टनर हैं और दिग्विजय ने आपकी मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं छोड़ी होगी, लेकिन मेहमान की भी एक मर्यादा होती है, एक हद होती है जिसे उसे कभी लांघना नहीं चाहिए, हद पार नहीं करनी चाहिए। ये तो मानती हैं ना आप? ये मेरा अटूट विश्वास है मिस मुल्तानी कि हमें प्रोफेशनल और पर्सनल दायरों को अलग अलग रखना चाहिए। जब दोनों दायरे आपस में मिलते हैं तो नुकसान दोनों का ही होता है, यही मैंने अपने बड़े बुजुर्गों से सीखा है और यही सीख मैं अपने जीवन में निभाता आया हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिस मुल्तानी, हमारी पूजा में सम्मिलित होने के लिए। लेकिन अब पूजा संपूर्ण हो चुकी है
और जहां तक मेरी जानकारी है मर्जर की डील भी कंप्लीट हो चुकी है। इसका मतलब यह हुआ कि आपकी सारी जिम्मेदारी पूरी हो चुकी है, इसलिए अब आपकी महाजन हाउस में रुकने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपना सामान बांध सकती हैं और आज इसी वक्त आप यहां से जा सकती हैं। हाँ मम्मी, मैं नहीं जा सकती यहाँ से। मेरी जिम्मेदारी पूरी नहीं हुई है, मेरा मकसद पूरा नहीं हुआ है। मैं यहाँ से चली गई तो सारी प्लानिंग खराब हो जाएगी। मेरा महाजन हाउस में रहना जरूरी है। थैंक यू मिस्टर महाजन, आपने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया और आपकी ये सीधी बात को मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। I really like your honesty and your straightforwardness. बस ताज्जुब इस बात का है कि आपने मेहमान नवाजी की बात करते वक्त एक बार भी ये नहीं सोचा कि आप अपने मेहमान को रात के इस वक्त घर से बाहर जाने के लिए कह रहे हैं। जहां तक मैंने पढ़ा है, कुरुक्षेत्र के युद्ध में भी सूरज ढल जाने के बाद दुश्मनों में भी आपस में बैर नहीं रखा जाता। मैंने तो आपको सिर्फ मेहमान कहा ही नहीं, माना भी है, और आपने तो हमें दुश्मन समझ लिया। मुझे यह सुनकर अच्छा लगा कि आपने महाभारत भी पढ़ी है, लेकिन अफसोस आपने उसे समझा नहीं है। महाभारत में दोनों तरफ कोई भी किसी का दुश्मन नहीं था, सब अपने थे। बस फर्क दोनों तरफ सिर्फ इतना था कि उनकी इंसाफ की परिभाषा अलग अलग थी। द मीनिंग ऑफ जस्टिस एंड ट्रुथ वर टोटली डिफरेंट मिस मुल्तानी। मैंने तो ये कभी नहीं कहा कि आपने और हमने बैर है, तो फिर आपने ऐसा क्यों समझ लिया? आपको पहले भी किसी ने कहा होगा कि आपका चेहरा मेरी भतीजी युविका से मिलता है, लेकिन ना ही आपकी समझ और ना ही आपके संस्कार मेरी युविका से मिलते हैं। आज आपकी जगह मेरी युविका होती तो वो ये जरूर समझ लेती कि उसके दादा बाबू ने सिर्फ मेहमान की मर्यादा की बात की है, जिसका मतलब है कि एक मेहमान को कभी भी मेहमान नवाजी का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। और जब मेहमान का कार्य और उसका कार्यकाल समाप्त हो जाए तो उसे खुद ही मेजबान से इजाजत लेकर चले जाना चाहिए। इसलिए मिस मुल्तानी, आपका महाजन हाउस से चले जाना ही उचित रहेगा। अब आप इसे मेरी विनती समझिए या मेरा आदेश,
यह आपकी सोच पर निर्भर करता है। नहीं जाएगी, नहीं जाएगी युविका, युविका, युविका नहीं, मेरी युविका, मेरी, मेरी युविका नहीं जा। मान अब क्या करें? चलो क्या हुआ? क्या करें अब, क्या बड़बड़ा रही है? और ये प्रसाद क्यों खाने लग गई हो माँ? वो कोई देख लेगा। तुम्हारा नायक तो यहाँ झंडा गाड़ दिया है। नायक? तुम्हारे दादा बाबू को भोग चढ़ाई के बाद ही तो हम प्रसाद चखे हैं। कोहलिया, एक बतवा याद रखना, यहाँ ये जो ड्रामा चल रहा है ना, उसमें कतई मत पड़ना। बस केवल दूर से आनंद लो और मौका ढूंढती रहो दादा बाबू के चरण छूने का, चाहे कितना बार भी छूना पड़े। कहे कि उन्हीं चरणों में तुम्हारा उद्धार है और इस घर की चाबी, समझी? अच्छा हुआ दादा बाबू ने उसे यहाँ से जाने के लिए कह दिया। डील तो हो चुकी थी, बस हम लिहाज के मारे उससे कुछ कह नहीं पा रहे थे। And anyways, I was very uncomfortable of her being in this house. Thank God. But mom, ये तो rude हुआ ना? मेरी guest थी वो। मैंने उसे इनवाइट किया था, क्या जवाब दूं मैं उसे? बोल देना दादा पापा के सामने किसी की भी नहीं चलती, सिंपल। सुनो, आई एम सॉरी, मुझे पता है जो दादा बाबू ने कहा जो आपके साथ हो रहा है वो गलत है, पर दादा बाबू घर के बड़े हैं और उनकी बात हम काट नहीं सकते। पर आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हमारी महाजन होटल्स की एक प्रॉपर्टी है, अ 7-स्टार प्रॉपर्टी, वहां पर आपके लिए मैं प्रीमियम स्वीट बुक कर दूंगा। दिल टेक केयर ऑफ यू, बिल्कुल रॉयल्टी की तरह आपको ट्रीट करेंगे, आपको किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होगी, आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे आप। इट्स ऑल ऑन मी। आपकी सारी जिम्मेदारी पूरी हो चुकी है, इसलिए अब आपकी महाजन हाउस में रुकने की कोई आवश्यकता नहीं है। मिस मुल्तानी, Miss Multani, are you all right? Yeah, I'm all right. It's okay. I respect Dada Babu. I mean, Mr. Mahajan's decision. It's okay. Bruce, let's go. Let's pack our bags. Yeah. संभालो खुद को। शक क्या जरूरत थी ये सब करने की?
दिमाग इस्तेमाल करना छोड़ दिया क्या बिल्कुल ही? ऐसा तो हुआ नहीं कि इससे पहले कभी रात भर घर नहीं आई हो तुम। अरे पता था ना तुम्हें घर पे पूजा है, दादा बाबू वापस आ चुके हैं, तो क्या जरूरत थी? या तो पार्टी में मत जाती या फिर इस घर में नहीं आती रात को, दोनों में से काम नहीं करना था। मैंने आज डिसाइड किया था कि मैं बिल्कुल नहीं पीऊंगी, बाहर का कुछ भी नहीं खाऊंगी, क्योंकि आज शिवरात्रि है। थ्रू आउट द पार्टी मैंने सिर्फ पानी पिया था और किसी ने मेरे ड्रिंक को स्पाइक कर दिया और मुझे पता भी नहीं चला। तुमने कहा था ना मुझे ड्रिंक कम करना चाहिए, इसलिए मैं पार्टी से जल्दी चली आई, क्योंकि वहां रुकती तो मुझे ही नहीं पता चलता कि मैंने कब इतनी पी ली। यकीन करोगे इस बात का? अच्छा किसने बोला डीजे की बात मानने को? तुमसे कहा था ना ईशा, जितना दबोगी उतना दबाएगा वो। और यार दादा बाबू घर पे आ गए हैं, उनसे कहोगे तो सुनेंगे नहीं क्या? गिल बस करो, दादा बाबू मर गए थे, वापस आ गए, मैं कितनी खुश थी, पर दादा बाबू को मुझे देखकर बिल्कुल खुशी ही नहीं हुई। उन्हें तो मैं भी गलत लग रही हूँ, उन्हें सिर्फ डीजे सही लग रहा। डीजे? इतने वक्त के बाद इस घर में पूजा थी, इसलिए एक साल से रीति रिवाज क्या होता है मैं सब भूल चुकी थी। दलील होने की आदत पड़ गई है मुझे। ईशा ऐसा कुछ भी नहीं, तुम ना गलत राह में सोच रही हो। अच्छा एक काम करते हैं, अभी इस बारे में बात नहीं करते। ईशा नींबू पानी थोड़ा सा पी लो, बेटर फील करोगे। ईशा आप नींबू पानी पियो। ईशा एक बात कहूं, देखो हालात चाहे जैसे भी हो लेकिन वक्त सबका बदलता है और तुम्हारा भी बदलेगा, और खुद पर इतना कठोर होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। वक्त के साथ सब ठीक होगा, और देखो अगर मेरी मानो तो अभी एक बार नीचे चलो मेरे साथ, दादा बाबू से जाके माफी मांगो, उन्हें अच्छा लगेगा, तुम भी बेटर फील करोगे। ये मैंने क्या कर दिया रोज? मैंने क्यों किया ऐसा? कहा तो मुझे दादा बाबू से बात करनी थी, मैंने खुद दादा बाबू के साथ अपनी बात बिगाड़ दी। दादा बाबू मुझे एक आउटसाइडर समझते हैं रोज, और मैं इस मिसअंडरस्टैंडिंग को कैसे रिजॉल्व करूंगी? मैं ये घर छोड़कर कैसे जा सकती हूँ, अपनी फैमिली को छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? तुमने मम्मी ईशा अर्जुन की हालत देखी है, मैं घर छोड़कर नहीं जा सकती। कहा तो मैं यहाँ पे सिर्फ डीजे और घर की ताई जी उनकी फैमिली को सबक सिखाने आई थी, मैंने क्या कर दिया है ये? मैं कैसे करूंगी, क्या करूंगी? लेकिन मैम आपने क्यों कुछ कहा वहां पे? तो क्या करती रोज? नहीं रुका गया मुझसे, नहीं रुका गया। जानती हूँ कि ईशा अपना रास्ता भटक गई है, लेकिन जिस तरीके से पूरी फैमिली उसको जलील कर रही थी, नीचे मेरी बहन को जलील कर रही थी, मैं खड़े होकर सिर्फ देखती रहती क्या? नहीं इट्स ओके मैम, इट्स ओके, कोई बात नहीं। लेकिन अब अगर हमें यहाँ से निकलना है तो हमें डिले नहीं करना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो मिस्टर भानु प्रताप महाजन को इसी बात से और गुस्सा आ जाए। सही कह रही हो तुम रोज, क्योंकि मेरा जो ये युक्ति मुल्तानी वाला राज है वो सिर्फ राज ही रहना चाहिए, वो किसी के सामने नहीं आना चाहिए। हमें कोई दूसरा प्लान सोचना पड़ेगा, और वो भी जल्द से जल्द। टिल देन लेट्स पैक आवर बैग्स एंड रेस्ट, लीव इट टू द यूनिवर्स। यस मैम। छोड़ो मुझे मैम, चलिए छोड़ो मुझे, मेरी युविका जा रही है, छोड़ो मैम। मैम थैंक यू मिस्टर महाजन, कुछ पल के लिए सही, लेकिन ये मेरी खुशकिस्मती है कि आपकी मौजूदगी में मुझे आप सब लोगों के साथ समय बिताने का मौका मिला। और हमें आपके साथ का
मैंने सोचा था कुछ और, पर कुछ और ही हो गया दादा बाबू। लेकिन मैं भी प्रेम नागर की बेटी हूं और अपने पापा से मैंने यही सीखा है, जो कोशिश करते हैं उनकी हार नहीं होती। आप तक सच को पहुंचा कर रहूंगी मैं। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.